सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल टॉक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरदान ऐप के बारे में। वरदान ऐप के जरिए आप अपना बिजनेस, अपनी दुकान ऑनलाइन ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप को मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। आपको इसको प्ले स्टोर में से इंस्टॉल कर लेना है या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी सीधा इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको यहाँ पर से सीधा ओपन कर लेना है और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो सिलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करके यहाँ पर से आप इंग्लिश, हिंदी या फिर ये दोनों दूसरी दो लैंग्वेज है, आप इसमें से कुछ भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉग इन क्रिएट योर स्टोर पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम एंटर कर देना है। बिजनेस नेम बोले तो आपका जो भी दुकान का नाम है या फिर आपके धंधे का जो भी आपने नाम रखा है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। बिजनेस नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर से आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी ऐड कर देनी है। यहाँ पर से आप अपने बिजनेस की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, जैसे कि बाइसिकल्स, सर्विस एंड रिपेयर, सलून एंड स्पा, मीट वगैरह, आपको बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से आप आपकी कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों, एक और बात मैं बता दूँ कि यहाँ पर से आपको बहुत ही ध्यान से अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, बिकॉज यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दिस कांट बी चेंज्ड इन फ्यूचर, यानी कि आप यहाँ पर ये जो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वो आप फ्यूचर में नहीं बदल सकोगे। उसके बाद यहाँ पर अपने सिटी का नाम एंटर कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े सिटीज़ का नाम दिया गया है, अगर आप इनमें से किसी में भी नहीं रहे तो आप यहाँ पर अदर्स में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पर अपनी लोकेशन मैप के हिसाब से सेट कर दीजिए या फिर अपना एड्रेस जो है वो अच्छे से डाल दीजिए। अगर आप मैप के हिसाब से अच्छे से लोकेशन सेट करेंगे तो भी अपने आप ही यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मेरा एड्रेस आ चुका है। और उसके बाद अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, आप वहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक आ गया है OTP, तो मैं यहाँ पर वो सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप जैसे ही वहाँ पर OTP एंटर करेंगे तो आप सीधा ही अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ कर देना, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट वाली परमिशन को अलाउ कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर बही खाता के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों, आप अपने कस्टमर की सारी डिटेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर नेम पर उसका पूरा नेम डाल दीजिए और उसके बाद बिल डेट, उस पर अपने कस्टमर को जो भी सामान बेचा था उस बिल की आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर टोटल बिल अमाउंट जो भी हो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। जैसे कि टोटल बिल अमाउंट था 120 रुपया था, मान लो 120 रुपये का टोटल बिल था। और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो यहाँ पर कस्टमर ने जो भी बिल आपको पहले से पे कर दिया है उस अमाउंट में से जो भी आपको अमाउंट पे कर दी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि टोटल बिल की रकम थी 120 रुपया, लेकिन कस्टमर ने आपको 20 रुपया पे कर दिया है, तो यहाँ पर आपको 20 रुपया डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप रिसिप्ट का जो इमेज है वो अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर अगर आप ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको कंफर्टेबल रहे इसके लिए अगर आपके पास बिल हो तो आप इसकी इमेज यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह आप अपने कस्टमर की सारी डिटेल्स यहाँ पर से ऐड कर सकेंगे, जैसे कि उसका मोबाइल नंबर, उसका नेम, बिल की अमाउंट, उसने उस बिल में से कितने पे कर दिए है वो, बिल की डेट, सारी यहाँ पर से आप ऐड कर सकेंगे। तो दोस्तों, ऐड पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो भी डिटेल ऐड की थी वो यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर कस्टमर का नेम, ऑर्डर ID और ऑर्डर की डेट वगैरह जो है वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो फिल्टर है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से मैं फ़िल्टर करके कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि इन प्रोग्रेस में जो कस्टमर का ऑर्डर है वो, और पेमेंट पेंडिंग, यानी कि जो पेमेंट कस्टमर के पास से पेंडिंग है वो मैं यहाँ पर से शॉर्ट आउट कर सकता हूँ, कंप्लीटेड को यहाँ पर से शॉर्ट आउट कर सकता हूँ और कैंसल्ड को यहाँ पर से शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो आपको जो भी सर्च करना हो, जो भी फिल्टर करना हो, उसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला है डेटा, तो यहाँ पर अभी मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर वाला ये ऑप्शन है, अगर इसके ऊपर हम टैप करते हैं तो यहाँ पर से आप
आपके पास जो भी जो स्टॉक में है आप जो भी बेचते हैं वो कितना स्टॉक में है उसकी डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन मुझे अगर कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड अन आइटम के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लॉथ की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट की थी, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मुझे शर्ट और पैंट दोनों ही दिखाएगा यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर अभी नहीं दिखाएगा। लेकिन जब ऐप के डेवलपर्स इस ऐप को अपडेट करेंगे तो यहाँ पर शायद ज़्यादा ऐड कर दे। तो अभी तो मुझे इस दोनों में से जो भी मेरे पास स्टॉक में है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे पेंट जो है वो बेचना है, वो मेरे पास स्टॉक में है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मुझे क्वांटिटी लिख देनी है, मेरे पास कितनी क्वांटिटी में है स्टॉक। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ, 20 लिख सकता हूँ, या फिर 50 लिख सकता हूँ। और मुझे इसके अलावा कुछ लिखना है तो मुझे यहाँ पर अदर्स पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना स्टॉक की क्वांटिटी जो है वो ऐड कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 60 लिख लेता हूँ और उसके बाद सेव क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अपने आप ही ये अमाउंट आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर मुझे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास पेंट है कितने है, 60 है, यहाँ पर से मैं कम या फिर ज़्यादा कर सकता हूँ, और यहाँ पर उस हिसाब से मेरे पास 15,000 रुपये का पेंट का स्टॉक पड़ा हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, आप वो माल जिसको बेचना चाहते हैं उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, और उस कस्टमर का यहाँ पर नाम और एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ऑर्डर अमाउंट 15,000 रुपये की हुई है, और यहाँ पर अगर कस्टमर ने 15,000 में से कुछ आपको पहले से ही पेड कर दिया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर ये सभी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, और यहाँ पर कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया, और उसके बाद कस्टमर की टोटल 15,000 की अमाउंट हुई थी, उसमें से उन्होंने मुझे 5,000 रुपये पहले से ही पेड कर दिए है, तो मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये लिख दिए है। और उसके बाद अभी आपको क्रिएट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, यहाँ पर कस्टमर का पूरा नाम एड्रेस वगैरह आ गया है, और उसके बाद यहाँ पर उसका अमाउंट 15,000 रुपये का हुआ था, लेकिन उन्होंने 5,000 पे कर दिए थे, तो अभी पेंडिंग अमाउंट 10,000 हुआ है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हमने बही खाता और क्रिएट ऑर्डर की बात तो कर ली, अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिल्टर वाला ऑप्शन है, तो मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है, यहाँ पर से आप कुछ भी फिल्टर कर सकते हैं और अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मुझे मैंने जो भी डेटा ऐड किया होगा कस्टमर्स का वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं एक्सपेंस के ऑप्शन पर, तो यहाँ पर मैंने जो भी खर्चा किया होगा वो मुझे यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर मुझे शो कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर कुछ रेंट के लिए दिया है खर्चा तो मैं यहाँ पर से उसको शॉर्ट आउट कर सकता हूँ, और अगर मैंने ट्रैवल के लिए कुछ खर्चा दिया है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, और उसके बाद मैंने कुछ वेजेस के लिए दिया है तो मैं यहाँ पर से वो देख सकता हूँ, और अगर मुझे कुछ एक्सपेंस ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड एक्सपेंसेस पर पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक्सपेंसेस का नाम लिख देना है कि मैंने कौन से पैसे किसके लिए मैंने पेड किए थे, और उसके बाद यहाँ पर उसकी डेट लिख देनी है, यहाँ पर कितनी अमाउंट थी वो डाल देना है, यहाँ पर अपलोड रिसिप्ट पर मैं रिसिप्ट अपलोड कर सकता हूँ, और उसके बाद एक्सपेंस टाइप पर मुझे जो भी उसका टाइप था वो ऐड कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो मेरा एक्सपेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये जो बिज़नेस वाला ऑप्शन है, अगर मैं उसके ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अपने बिज़नेस का ग्राफ और अदर डेटा वगैरह शो कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सेल्स में मुझे लास्ट मंथ में कितना सेल्स हुआ था वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका ग्राफ है, यहाँ पर आप ये येलो डॉट देख सकते हैं, ये 15.1K का सेल्स है वो मुझे यहाँ पर ग्राफ शो कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर सेल्स ओवर यू पर फ्रॉम यानी कि 1 सितंबर से 6 सितंबर का जो डेटा है वो मुझे दिखाई दे गया है। इन शॉर्ट लास्ट जो मंथ का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे जाएगा। और अगर मैं कुछ फिल्टर करना चाहता हूँ डेट में तो यहाँ पर से मैं उसे फिल्टर कर सकता हूँ, यहाँ पर लास्ट मंथ, 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ और कस्टमर आता है, तो मैं यहाँ पर अभी लास्ट मंथ सिलेक्टेड रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर टोटल सेल्स लास्ट मंथ में टोटल सेल्स कितने हुए थे वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा, टोटल पेंडिंग सेल्स कितने हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा, और लास्ट मंथ में मैंने कितना खर्चा किया था वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ पर प्रॉफिट में मैंने लास्ट मंथ में कितना प्रॉफिट किया था वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। दोस्तों उसके बाद ये मोर वाला ऑप्शन आता है, अगर हम यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी UPI डिटेल ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप इस UPI डिटेल को ऐड करके यहाँ पर से अपना खुद का QR कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और अगर कस्टमर को आप शेयर करेंगे तो वो UPI के जरिए ही आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। तो इस तरह आप ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना UPI ID डालना है, और उसके बाद यहाँ पर UPI रजिस्ट्रेटेड नाम डालना है, और यहाँ पर आपको जनरेट QR पर
क्लिक कर देना है। और अगर मैं नीचे थोड़ा स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आप वरदान सपोर्ट से सीधा ही कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। अगर आपको इस ऐप के रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो यहाँ पर से आप सीधा ही कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों हमने ये सब तो देख लिया, अभी ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर बचता है। यहाँ पर अगर मैं टैप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर बेसिक डिटेल्स पर सबसे पहले क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर से मैं अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पर स्टोर ओनर का नाम जो है वो डाल सकता हूँ या फिर एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। यहाँ पर से मैं अपना एड्रेस जो है वो बदल सकता हूँ। यहाँ पर से मैं स्टोर डिस्क्रिप्शन में से अपने डिटेल ऐड कर सकता हूँ, अपनी दुकान के डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर से मैं जीएसटी नंबर ऐड कर सकता हूँ अगर मैं जीएसटी नंबर ऐड करना चाहता हूँ तो। और उसके बाद यहाँ पर से मैं लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ। तो अभी मैं बैक चले जाता हूँ और दोस्तों यहाँ पर से मैं अपनी दुकान की या फिर अपने बिजनेस की लोगो या फिर इमेज जो है वो सेट कर सकता हूँ। तो अभी मैं बैक चले जाता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बिजनेस कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पर से मैं अपने बिजनेस कार्ड को सीधा ही यहाँ पर से शेयर कर सकता हूँ या फिर डाउनलोड कर सकता हूँ। ये कार्ड अपने आप ही बन जाएगा तो मैं यहाँ पर सीधा ही अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर से फीडबैक या फिर रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर से आप टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर सकते हैं और दूसरे कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं बैक चले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर स्टोर ऑपरेटर्स पर क्लिक करके यहाँ पर मैं अपने स्टोर को कौन कौन ऑपरेट करता है मैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर से ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। तो यहाँ पर अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर अदर बिजनेस ब्रांचेस, तो मेरे पास इस बिजनेस के अलावा भी कोई और ब्रांच है तो यहाँ पर से मैं दूसरी ब्रांच को सीधा ही ऐड कर सकता हूँ। तो अभी मैं बैक चला जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से मैं सीधा ही इस अकाउंट से लॉग आउट कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप वरदान ऐप को यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों मैंने बिजनेस ऐप के रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ बना रखे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैंने कई सारे ऐसे ऐप पर वीडियो बना रखे जिसका यूज़ करके आप अपना बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्राहक भी सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप वहां पर एक बार जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लाता रहता हूं, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको वहां पर ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।